क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करना अब महंगा पड़ रहा है। बता दें कि मुंबई में रविदास जयंती के मौके पर संघ प्रमुख के द्वारा दिए गए बयान पर कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई मुजफ्फरपुर CJM कोर्ट में 20 फरवरी में होगी। तो वहीं अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मोहन भागवत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के मुंबई में रविदास जयंती के समय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा 5 फरवरी को एक बयान दिया गया एक कार्यक्रम में, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं में जाति का जो विभाजन किया गया वह ब्राह्मण पंडितों के द्वारा की गई है और उनके द्वारा इस तरह का बंटवारा जातियों में किया गया है। उनके द्वारा जानबूझ करके ब्राह्मण जातियों को प्रतिष्ठा हरण करने, नीच दिखाने के साथ साथ पूरे देश में यह वर्ण व्यवस्था को फैलाने और उत्पाद पूरे देश में मचवाने के उद्देश्य से इस तरह का बयान उनके द्वारा दी गई है। खबर नवादा से है, जहां बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ का नामांकन किया जा रहा है। बता दें मार्च महीने में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ का चुनाव किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, संगठन सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्य सचिव एक पद पर कुल 12 लोगों ने नामांकन कराया और आज की शाम 4 बजे तक नाम वापसी का समय दिया गया था, जिसमें 12 प्रत्याशी ने नामांकन कराया है। आपको बता दें मार्च महीने में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ का चुनाव किया जाएगा। चुनाव हेतु नामांकन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद है 1, उपाध्यक्ष 2, सचिव 1, उप सचिव 1, संगठन सचिव 4, कोषाध्यक्ष 1 और कार्यालय सचिव 2 पद है। उस पर अभी नामांकन के कार्य चल रहा है, जिसमें लगता है कि 12 वो अभी नामांकन हुआ है और 2:30 बजे तक नामांकन होगा। 2:30 बजे के बाद 4 बजे तक नाम वापसी, तत्पश्चात चुनाव के प्रक्रिया में। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस निर्माण के लिए अधिशेष भूमि के अधिग्रहण की मांग पर अब जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन अधिकार छात्र परिषद के तीर खुद प्रमंडल अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह ने कहा कि बापू के कर्म भूमि चंपारण में बापू के नाम से स्थापित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपनी स्थायी कैंपस का इंतजार कर रही है। छात्र नेता श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान समय से विश्वविद्यालय 4 अलग अलग जगहों पर विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार पर लगातार यहाँ के पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी का हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने लगातार राज्य सरकार से पत्र लिखा, इसके जमीन अधिग्रहण के लिए, हरी झंडी के लिए लगातार विभागीय सचिव को लिखा, एक पत्र भी उन्होंने लिखा है जिसमें 171 एकड़ भूमि को अधिग्रहण कराने की बात को लेकर, उसके लिए 2 बार शिक्षा विभाग के सचिव को उन्होंने पत्र, स्मरण पत्र भी भेजा है। लेकिन पता ना कौन सी कारण है कि अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाया और उसका स्थायी कैंपस जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं बन पाया है। दूसरी चीज ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और साउथ बिहार यूनिवर्सिटी गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, दोनों एक ही बार दोनों आया, और जबकि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी कैंपस निर्माण नहीं हो पाया और साउथ बिहार का कैंपस निर्माण हो चुका है। तो चंपारण के साथ यह भेदभाव क्यों,
हम ये पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी से, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा के तहत 25 तारीख को संभवतः चंपारण में आएंगे, तो हम आप सभी के माध्यम से उनसे आग्रह करेंगे कि चंपारण की सबसे बड़ी समस्या है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी कैंपस हेतु भूमि अधिग्रहण, दूसरी बिहार विश्वविद्यालय का जो सेशन लेट चलता है लगातार 5 साल 6 साल में ग्रेजुएशन को फाइनल कराया जाता है, प्रोफेसर नहीं है, विश्वविद्यालय में बेहतर लाइब्रेरी नहीं है, कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है, इन सभी समस्याओं के समाधान कि हम आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी चंपारण में आ रहे हैं समाधान यात्रा करने, तो इन दोनों समस्या का समाधान करेंगे। रोहतास के कोचस में वाहनों में जोरदार टक्कर हो गई। पूरी घटना भारत ओपी की है, जहां दूध लदी पिकअप वैन गाड़ी से टकरा गई। पिकअप वैन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गाड़ी सवार भाग निकला और मौके से फरार हो गया। पीछे से सर गाड़ी लड़ी है, दारू था उस गाड़ी में, उस गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी है। ड्राइवर जब निकल कर आया है गाड़ी में से, दारू वाले गाड़ी में को लोग इसको मार के मुआ है। 1 बजे गाड़ी डेरी में ले निकल गया, ओकर बाद एने तक आके कैसे घटना हो, पीछे से दारू वाली गाड़ी मर ले लिया। मारले के बाद हमने के समझ में नहीं आया कि लाश मान तनी फेंकाइल भी आ गया या जब प्रशासन जैसे दारू वाली गाड़ी रोक के फिर एक चढ़ा दी हलवा की कैसे बा, कुछ अंदाज हमने के नहीं खेल। नवादा के कलाली रोड मोहल्ले के घर का ही दामाद पिस्टल लेकर घर में घुस गया। ससुराल जनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पिस्टल के साथ ही युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार युवक झारखंड के रामगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। मामले के मुताबिक आरोपी की शादी 2 साल पहले हुई थी, जिसके बाद युवक साली के प्रेम प्रसंग में फंस गया था, जिसके बाद आरोपी ससुराल अपनी साली को भगाने के लिए पिस्टल लेकर आया था। मामला ये है कि मेरा ससुर है राजेश मालाकार, यहीं कलाली रोड में रहते हैं। तो राजेश मालाकार से मेरा हम बहुत सारा उसको व्यापार के संबंध में मदद करते थे, ठीक है, तो उसके बदले में कुछ पैसा तो बनता है। मेरा जो भी पैसा, हम कमाई कुछ नहीं ले रहे हैं, मेरा अपना पैसा जितना लगा वो तो चाहिए। तो ये चीज़ के लिए लड़ाई बहुत दिन से चल रहा था, पता नहीं वो क्या क्या अभद्र संबंध क्या क्या बनाए हैं, वो तो वही जानेंगे, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे ये चल रहा पैसा का बात हुआ, तो हम बोलते थे घर के बाहर मीटिंग करके, क्योंकि आपका घर हम कभी चढ़ेंगे नहीं, घर के बाहर बात करिए। वो बोलता था घर पे ही, हमको हर कोई मना करता था कि घर पे मत जाना, आदमी ठीक नहीं है फंसा देगा। और वही चीज़ हुआ, घर पे गए और बैठ के बातचीत हो रहा था और बंदूक निकाला और फिर फ़ोटो वोटो करने लगा। क्या बंदूक मेरे हाथ में है, आप लोग ये देखिएगा। जब पुलिस मेरे घर में जब वहाँ पे आया था, तो पुलिस से पूछिए कि बंदूक कहाँ था। नवादा में इन दिनों आवारा कुत्तों ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ताजा मामला शहर के गोनामा का है, जहां एक बच्चा साइकिल चला रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने पीछे से आकर उसके पैर में झपट्टा मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल बच्चे को तुरंत स्थानीय सहयोग से नवादा सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ बच्चे का इलाज किया जा रहा है। कहाँ पर लटक गया? गोनमा में। क्या नाम है तुम्हारा? घर कहाँ? पिताजी के? धर्मेंद्र। नालंदा में सारे थाना क्षेत्र के गांव में एक शिक्षक अपनी शिष्या के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने गुरु जी की जमकर पिटाई कर दी और मारपीट के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक गाँव का ही एक युवक कोचिंग चलाता है, साथ ही घर घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाता है, जिसके बाद लोगों ने कोचिंग में ही दोनों को आपत्तिजनक हाल में पकड़ लिया है। बाद में ग्रामीणों ने दोनों की शादी करवा दी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की,
अभी लॉगिन करें skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है जहां छतौनी थाना क्षेत्र के NH 28 हाईवे के पास होटल के नजदीक गैस टैंकर से मोटरसाइकिल सवार को ठोकर लग गई है, जिसमें एक बालक की घटनास्थल पर मौत हो गई और मृतक के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। और छतौनी सब्जी मंडी है, उसी पास बाजू पास टंकर ट्रक जो सामने लगा हुआ है उसे आप लापरवाही से ठोकर मार दिया है, पीछे से मारा है। जो लड़का था 7 साल का लड़का था वो स्पॉट डेथ हो गया है, जो उसका शरीर में चक्कर चल गया है। और जो उनका लड़का पपत है वो हॉस्पिटल रहमानिया में भर्ती है और छोटी लड़की है जो 9 साल की है। मोतिहारी के छोड़ा दानू थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि मोड़ के पास से 3 अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी से 12 लाख रुपए लूट लिया। सूचना प्राप्त होते ही सहायक पुलिस अधीक्षक रक्सौल के नेतृत्व में अपराधियों के गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए 12 घंटे के अंदर रुपए के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपराधियों पर विधिक कार्यवाही की गई है। दिनांक 6 फरवरी को सूचना मिली थी कि छौड़ा थाना अंतर्गत बेलाटगंज मोड़ के पास से 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा भय दिखाकर एक व्यवसायी से 12 लाख रुपए लूट लिया गया है और साथ में एक मोटरसाइकिल भी। सूचना मिलते ही ASP रक्सौल श्री चंद्र प्रकाश जी द्वारा SHO छौड़ा थाना सब इंस्पेक्टर ध्रुव नारायण के साथ मिलकर छापेमारी किया गया है और महज 12 घंटा के अंदर ही लूट का मोटरसाइकिल और व्यवसायी से लूटा हुआ 12 लाख रुपये बरामद किया गया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है श्याम विनोद कुमार जनता चौक छौड़ादानों के, जुगल कुमार जनता चौक छौड़ादानों के, उपेंद्र राय बड़ा कठारिया छौड़ादानों के। एक कैमूर के दुर्गावती पहुंचे DIG नवीन चंद्र झा ने डीडखेली टोल प्लाजा उत्पाद विभाग के चेक पोस्ट का जायजा लिया, साथ ही वहां पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और पुलिस पदाधिकारियों से बातचीत भी की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक साकेत कुमार समेत कई वहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर में एक युवक शादी का झांसा देकर महिला के साथ 10 सालों से दुष्कर्म कर रहा था। पूरा मामला कहलगांव थाना शिवकुमारी पहाड़ का है, जहां महिला ने बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर 10 सालों तक शारीरिक संबंध बनाया, जिसके चलते उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसकी उम्र करीब 6 साल बताई है, जिसमें युवक इसके बाद युवक रहने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं Prime TV, मैं हूं बिट्टू कुमार। आज हम कहलगांव थाना अंतर्गत शिव कुमारी पहाड़ के पास हैं। यहां पे 10 सालों से एक महिला एक लड़की को रखा, एक बच्चे का माँ बेचारी बनी, उनके बाद आज उनके घर वाले ज़बरदस्ती उनको रखने से इनकार कर रहे हैं और उसके बाद उनके घर पर ज़बरदस्ती चढ़ के आ करके मारपीट उनके साथ करते हैं कि जौन से तुमको मार देंगे, तुम ज़्यादा बोलोगे तो, या तुम थाने जाओगे तो। थाने में आवेदन देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनसे ही आज जानेंगे कि इनके साथ क्या घटना घटी है और कौन कौन इनमें दोषी है उनको देखा जाएगा। क्या नाम हो आपका? नीलम खातून। घर? सुकुमारी पहाड़। क्या आपके साथ हुआ था? मेरे साथ वही हुआ था जो उसने गलत किया। हमने उसे 10 साल से हमसे प्यार किया, बलव करके रखा। हाँ। कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुम्हारी मेरी बीबी, हम प्यार किए, हम किसी को नहीं रखेंगे। कौन? मोहम्मद शाहजहां। पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद बाहिद। बाहिद,
क्या मतलब कितने सालों से आप उनके साथ में थे? 10 साल से हैं। 10 साल के साथ हैं। तो आपको कितने बच्चे हैं? बस एक ही उन्हीं का बच्चा है, यही तो है। उन्हीं का क्या नाम है उनका? रानी खातून है। अभी क्या मतलब वो बोल रहे हैं? अभी बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, हमको तुम दी गण मारने के लिए तो हम मारे, तुमको दिए बलात्कार करने के लिए किए, मेरा तो पैसा है, हम किसी को घर आज तक घर नहीं किए, मगर तुमको क्या तुमको घर नहीं करेंगे, तुमको घर नहीं करेंगे। वो जबरदस्ती हमको मार पीट के रात में रोज आता है, सो पर जाता है, माँ बाप कोई नहीं है, हम अकेले हैं, बस मेरी बेटी और हम सोते हैं, जबरदस्ती करके चला जाता है, बोलते हैं तो कहता है क्या कि किसी को हल्ला मत करना था, यहीं पर गोली से मार देंगे तुमको। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जान बचाने वाला ही कातिल निकला। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के डैन मरवा वार्ड का है, जिसमें एक युवक की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने खुलासा किया और पता लगाया कि मृतक युवक के चचेरे भाई ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। संध्या ने सूचना मिली कि एक 14 वर्षीय बालक को चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ गई तो देखा गया कि एक नासिर नाम का लड़का, जिसकी उम्र करीब 14 वर्ष थी, को लाट पर, गाल पर और पेट पर चाकू से गंभीर रूप से जख्मी किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। खबर वैशाली के बराटी थाना क्षेत्र से है, जहां बेखौफ अफराधियों ने दिनदहाड़े गन पॉइंट पर फिनो बैंक के सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया और गन पॉइंट पर फिनो बैंक के सीएसपी सेंटर से 65,000 रुपए लूट की मौके से फरार भी हो गए। बता दें, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल कर आगे की कार्यवाही में जुट गई। बराटी बाजार जो है स्टेशन रोड में, वहाँ पर एक सीएसपी चलाते हैं, फिनो बैंक सीएसपी, और उसमें वो मोबाइल रिपेयरिंग का भी दुकान है, वो पार्ट्स बेचते भी हैं। वहीं पे 4 अपराधियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है, लूट किया है, जिसमें दुकानदार बता रहे हैं कि 60-65 हज़ार रुपया उनके पास जो था वो लोग लेके गए हैं, और जाते क्रम जब इन्होंने शोर शराबा किया है तो वो लोग हवाई फायरिंग करते हुए निकले हैं। हम लोग बाकी सारा जांच पड़ताल कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि हम लोग इस अपराधियों को पकड़ लें और हम लोग लगे हुए हैं। गए बाहर टॉयलेट के लिए और एक लड़का पहले आया, अंदर घुस गया और उसको जस्ट मतलब अंदर घुस गया वो भी, और दोनों पिस्टल भिरा दिए इन पर, और उधर से पूछे कि गल्ला कहाँ है तुम्हारा, गल्ला में से पैसा ले गया करीब 67,000 रुपये के आसपास। और हम लोग जब यहाँ से लेके भाग गया तो हम लोग रगड़ने गए तो फायरिंग किया वो। कितने की संख्या में अपराधी? आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है,
दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर।